ट्रांसपोर्टर ज्वाइंट एक्शन कमेटी की ओर से भोपाल विधानसभा समक्ष अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन। ट्रांसपोर्टर्स व्यवसाय की प्रमुख समस्या राज्य सीमा पर फैला भ्रष्टाचार व ट्रक चालकों को हो रही परेशानियां दूर कर उन्हें व्यवहार से सम्मान प्राप्ति की ओर शासन नेता जनता का ध्यानाकर्षण व अपने विविध मांगों के समर्थन में वाड़ी वर्धावना व नागपुर परिसर के ट्रांसपोर्टर्स द्वारा निर्मित ज्वाइंट एक्शन कमेटी के नेतृत्व में भोपाल विधानसभा भवन समक्ष अनिश्चितकालीन धरना आंदोलन प्रारंभ करने की जानकारी आयोजक पदाधिकारी प्रहलाद अग्रवाल नरेंद्र मिश्रा किताब सिंह चौधरी ने पत्रकार परिषद में दी। नियोजन अनुसार वर्धावना हिंगना मार्ग स्थित ज्वाइंट एक्शन कमेटी के कार्यालय में सोमवार सुबह 9 बजे बड़ी संख्या में ट्रांसपोर्टर्स पदाधिकारी एकत्रित हुए थे। यहां से प्रारंभ होने वाले वाहन रैली को राष्ट्रवादी के नेता रमेश चंद्र बंग ने विषय उद्देश्य को समझकर रैली व आंदोलन को शुभकामनाएं देकर हरी झंडी दिखाकर रैली को प्रारंभ किया। संयुक्त एक्शन कमेटी के प्रमुख पदाधिकारी प्रहलाद अग्रवाल, भाईचारा राजमार्ग परिवहन सेवा के नरेंद्र मिश्रा, किताब सिंह चौधरी, जनरल सिंह, गुरबीर सिंह बोरा, रविन्द्र कालबांडे, महेंद्र शर्मा, छत्रपति शिवाजी महाराज वाहन चालक एसोसिएशन के प्रमुख अंकुर अग्रवाल व दिनेश अग्रवाल के नेतृत्व में यह वाहन रैली नागपुर पहुंची। यहां से नागपुर के ट्रांसपोर्टर्स इस रैली में शामिल हुए। सावनेर मार्ग से भी कार्यकर्ता इस रैली में शामिल हुए। यह रैली खवासा राज्य सीमा पर पहुंचकर खवासा में विश्राम पश्चात यह वाहन रैली जन जागृति करते हुए 13 दिसंबर को भोपाल पहुंचेगी। भोपाल में मध्य प्रदेश शासन का शीत सत्र अधिवेशन 17 से प्रारंभ हो रहा है। विधानसभा भवन के समक्ष 15 दिसंबर से मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, पंजाब आदि से आए सैकड़ों ट्रक चालक व ट्रांसपोर्टर्स अपने विविध मांगों के ध्यानाकर्षण के लिए अनिश्चितकालीन धरना आंदोलन को प्रारंभ करेंगे। इस आंदोलन दरमियान वे मध्य प्रदेश शासन के मुख्यमंत्री कमलनाथ, मुख्य सचिव परिवहन विभाग, परिवहन मंत्री से भेंट कर निवेदन व चर्चा कर राज्य सीमा पर तैनात अधिकारी, पुलिस अधिकारी के नियम बाह्य कार्य पद्धति, भ्रष्टाचार वृत्ति व चालकों को दी जाने वाली असभ्य व्यवहार पर उचित उपाय योजना की मांग करेंगे। इस आंदोलन से ट्रांसपोर्टर्स व ट्रक चालकों ने कुछ सीमा तक उद्देश्य सफलता का दावा करते हुए भविष्य में इसी आंदोलन को राष्ट्रीय स्तर पर संचालित करने का मनोदय भी व्यक्त किया। अन्याय अत्याचार के खिलाफ में परिवहन डिपार्टमेंट के माध्यम से जो आपके व्यवसाय में जो तकलीफ हुई है के लिए आपने एक अच्छा कदम उठाया है। इससे मैं कभी तो ये जो सोच निर्माण हुई अग्रवाजी के मन में जो मेरे यहाँ परसों आए थे मुझे निवेदन करने और बता रहे थे तो मुझे बड़ा हर्ष हुआ। इस एज में भी एक आदमी एक परिवार के बारे में, परिवार के सदस्यों के बारे में, ड्राइवर के बारे में सोच सकता है, ऐसी कल्पना पर नहीं आ करते। सोच महत्वपूर्ण है आपसे। मानवता को मानवता के रूप में देखना और उसके साथ बारे में सम्मान के साथ में रहना। आज हमने प्रेस वार्ता किया और अब प्रेस वार्ता के माध्यम से हमने सभी मीडिया चैनल भाइयों के माध्यम से हमें बताना चाहते हैं कि हमारी ज्वाइंट एक्शन कमेटी के तरफ से और साथ में भाईचारा राजमार्ग परिवहन सेवा, शिवाजी वाहन चालक संगठन एसोसिएशन, ये हम तीनों कमेटियों के साथ में ज्वाइंट एक्शन कमेटी के साथ में जो एमपी के अंदर में या सभी प्रदेश में भ्रष्टाचार के मुख्य अड्डे हैं परिवहन चेक पोस्ट, इस विषय पे हमने 9/12/2019 से यात्रा चालू कर रहे हैं जनसंपर्क यात्रा, जो हम 13/12/2019 को भोपाल पहुँचेंगे और 14 तारीख को हमारी मीडिया वार्ता, 15 तारीख से हमने एमपी के अंदर में धरना दे रहे हैं भ्रष्टाचार विभाग के खिलाफ। और हमारी जो जनसंपर्क यात्रा है वो स्वच्छ भारत स्वच्छ परिवहन के लिए, भ्रष्टाचार मुक्त परिवहन विभाग के लिए, हम सभी प्रशासनिक अधिकारियों को विधानसभा के माध्यम से सरकार को अवगत कराएंगे, इस तरह के भ्रष्टाचार को जल्द से जल्द खत्म किया जाए और जिससे हमारे ट्रक चालक मालक या ट्रक इंडस्ट्रीज को किसी प्रकार से नुकसान न पहुँचे। हमारी ट्रक इंडस्ट्रीज को बचाने के लिए इस हमने मुहिम छेड़ी है और करीब करीब हमने पूरे प्रदेश से इसका सहयोग मांगा है और सब इसका सहयोग दे रहे हैं। इस विषय पर हमारी जो लड़ाई चल रही है वो सरकार से भी है और भ्रष्टाचार में लिप्त प्रशासनिक अधिकारियों से भी है और हम इसके लिए केंद्रीय मंत्री तक और प्रधानमंत्री मोदी तक अपनी आवाज़ को पहुँचाएंगे, अपने पूरे पेपर और डॉक्यूमेंट्स के साथ में जाएंगे। इनबीसीएन न्यूज़ के लिए वाड़ी से सुनील शेट्टी के साथ अभिषेक पांसी की रिपोर्ट।